अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का वेलकम है सक्सेसफुल ग्रेजुएट यूट्यूब चैनल पर। काइंडली एजुकेशन की न्यूज़ लेने के लिए सक्सेसफुल ग्रेजुएट को सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको तमाम एजुकेशन की अपडेट सबसे पहले। BA ADA पार्ट वन इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है 10 को, आज 6 है। तो स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को पेपर में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी उनसे। जैसा कि आपको पता है पेपर आपका दो शिफ्ट में होना है, मॉर्निंग और इवनिंग में, यानी कि पेपर वन मॉर्निंग में भी होना है और इवनिंग में भी होना है। तो इसलिए आप थोड़ी सी चीज़ें ना करके जाइएगा, ये गलती कभी भी ना करिएगा, वरना बाद में क्या स्टूडेंट कहते हैं जी हमारी सप्ली आ गई, हम तो लिख के आए थे, ये कर दिया वो कर दिया। और सबसे ज़्यादा सप्ली भी आती है इंग्लिश में। सबसे पहली बात तो ये है, सिर्फ तीन चीज़ें सेक्शन ए जो है ना वो आपको आपकी बुक से आता है, बाकी जो चीज़ें ना वो अनसीन आती हैं। जैसे सबसे पहले आपको बताता हूँ अनसीन क्या आता है, कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग, ठीक है। ये आपका सवाल जो है ना ये अनसीन होता है, जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है, चार पांच पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर लो, इंशाल्लाह उससे आप लोगों का पेपर का सवाल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डायलॉग आता है, आप लोग उसको मल्टी जो है ना वो अटैम्प्ट कर सकते हो। हमने नोट्स के अंदर दो तीन किस्म के मल्टी डायलॉग जो है ना वो रखे हैं, ताकि जिस स्टूडेंट को जो ईजी लगता है, जो ठीक लगता है वो कर सकता है। उसके बाद अगर आपने ट्रांसलेशन पैराग्राफ करना तो वो भी मौजूद है, अगर अगर वो नहीं करना तो वो आप छोड़ भी सकते हो, आप डायलॉग कर लो मल्टी, ठीक है, वो आप एडजस्ट कर सकते हो पेपर के अंदर। अब आते हैं, ये है सेक्शन बी, ठीक है, ये चीज़ें ऐड है नोट्स के अंदर, ठीक है। और आप मुझे पता है आप लोग जो है ना नोट्स यूज़ कर रहे हो, जो आप यूज़ कर रहे हो जिन प्रोफेसर के वो आप यूज़ करो, और कोई भी ना परचेज कीजिएगा। बुक से तैयारी कर रहे हो बुक से करो, नोट्स से ना करना, ठीक है। जो चीज़ पकड़ी, अगर आप जीरो पे हो, अगर आप लोगों के पास नोट्स नहीं है तो फिर आप हमसे नोट्स ले सकते हो, अगर आपके पास किसी भी टीचर के नोट्स हैं तो आप उन्हीं से तैयारी करें, ठीक है। अब प्ले जो है ना, बेसिकली देखें तीन प्ले कर ले, स्मोक स्क्रीन, द बियर, द बॉय कम्स होम, ठीक है, ये तीन कर ले। अब नोट्स और बुक में क्या फ़र्क है, बुक में ये फ़र्क है कि बुक के अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं, वो आप इतने कम टाइम में नहीं कर सकते, लेकिन जो नोट्स हैं नोट्स के अंदर ये होता है कि चार पाँच छः किस्म के सवाल होते हैं। ये देखो छः किस्म के सवाल हैं, इनका आंसर एक ही है, ये वाला बस ये आंसर है, ठीक है। मतलब कि आपने एक प्ले का एक ही आंसर करना है, तीन प्ले है तीन आंसर आपने इसके करने हैं, बस क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है, बस ये प्ले आपके हो गए। अब पोएम्स है, पोएम्स आपको 16 है आपके लिए ऐड की गई हैं, ठीक है, और इसके 16 ही क्वेश्चन। अब स्टूडेंट का माइंड पता है क्या माइंड, ये है कि जी आप नोट्स की प्रमोशन करते हो, अगर आप लोगों की सप्लीस अगर बच जाते हो तो इससे बेहतर चीज़ और कोई नहीं हो सकती, ठीक है। तो बाकी ये पोएम्स आपके सामने, ये 16 क्वेश्चन है, बस आपका पोएम्स वाला जो है ना पूरा क्लियर हो जाएगा, सिर्फ आपने 16 सवाल करने हैं ये जो दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज हैं, वो आपने सिर्फ 13 करनी है, यानी कि 13 सवाल है बस। ये देख लें, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखिए एक एक पेज का सवाल है, आप खुद सोचो कि ये कितना टाइम लगेगा याद करने में, ठीक है। 13 क्वेश्चन है शॉर्ट स्टोरीज के, आप ये देख सकते हो, और इंशाल्लाह आप लोगों का क्वेश्चन वाला सारा जो पोर्शन है वो इससे कवर हो जाएगा। बाकी बचता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, वो कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ऐड किए गए हैं, ठीक है, पोइम्स के, इंशाल्लाह उसमें से जो ना काफ़ी हद तक आप लोगों के पेपर में जो ना वो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सिलेबस है आपका पार्ट वन इंग्लिश का, और सप्लीज भी सबसे ज़्यादा इंग्लिश में आती हैं। क्यों आती हैं, इसी वजह से आती हैं, स्टूडेंट को कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो इसलिए बेहतर है अगर आप लोग बुक से तैयारी कर रहे हो आप बुक से ही तैयारी करो। अगर आप लोगों के पास किसी और अच्छे टीचर के या किसी भी टीचर के नोट्स है, अगर आप सेटिस्फाइड हो उनसे तो आप उन्हीं से तैयारी करो, ठीक है। अगर आप जीरो पे हो, तैयारी अभी आपने नहीं की, या आप लोग चाहते हो कि नोट्स लेने, ये नोट्स पहले यूज़ हो चुके हैं, ठीक है, ये दो तीन साल नोट्स यूज़ हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन नोट्स से स्टूडेंट्स ने 50+ भी मार्क्स लिए हैं, पास भी हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है ना इन चीज़ों के ऊपर सोच ले, अभी भी टाइम है, सिर्फ दो दिन के अंदर ये नोट से तैयारी है, अभी भी देख लो, आज 6 है, अगर आप कल लेते हो परसों लेते हो आप पेपर तक जो ना अच्छे से तैयारी कर सकते हो, आपका पेपर क्लियर हो सकता है, ठीक है, अगर आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें। अगर आप लोगों की बातें करेंगे, आप जस्ट जो है ना अगले इंसान को डिग्रेड करेंगे, फजूल बातें करेंगे, तो वो आप लोगों की मिस्टेक है, ठीक है। बाकी अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ना, ये स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, वीडियो से, सिर्फ ये चीज़ें कर लें, ये पोएम्स कर लें, ये शॉर्ट स्टोरीज कर लें, ये प्लेज कर लें, बस, ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। देखिए पेपर दो शिफ्टों में आना है तो सिलेबस भी ज़्यादा आप लोगों को करना चाहिए, पता नहीं हो सकता है आपका ग्रुप टू हो, आपको जो चीज़ें हैं वो आपने जो याद की होगी वो ग्रुप वन को आ जाए, तो फिर आपको तो चीज़ें और आएंगी, फिर आप पेपर में क्या करोगे। तो बगैर बजाय ये कि आप पेपर में बैठ के पछताएं, अभी भी टाइम है, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप तैयारी कर सकते हो, अगर आप लोग वाकई ही तैयारी करना चाहते हो
आप नोट्स ले लो, किसी भी टीचर के ले लो, बुक को छोड़ दो, नोट्स ले लो, ठीक है। अगर बुक से तैयारी नहीं की तो बुक को छोड़ दो, कभी भी बुक की तरफ ना जाना, ठीक है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, इंशाल्लाह इसमें से आप लोगों का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा, अगर आप लोग इनको अच्छे से समझ के आप पेपर दे के आती हो, ठीक है। रट्टा सिस्टम छोड़ दो, ये चीजें समझ लो, इंशाल्लाह आप लोगों का सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कभी भी सप्ली नहीं आएगी। सक्सेसफुल ग्रेजुएट को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।